एंटर गाड़ी एटा मंडी से माल लेकर जो है फर्जी नंबर प्लेट लगाकर माल को गायब कर दिया गया था, किस तरीके से घटना का खुलासा हुआ है? देखिए, आयसर कैंटर से मूँगफली बुक हुई थी, जूनागढ़ गुजरात जानी थी, और 17 तारीख की ये घटना है। जब ये जूनागढ़ गाड़ी नहीं पहुंची है तो मूँगफली के जो मालिक थे, जिन्होंने यहाँ से माल भेजा था, उन्होंने फिर पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिया। 21 तारीख को इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया, और जब इसमें खोजबीन की गई तो पता चला कि अरुण नाम का व्यक्ति, जिसका आयसर कैंटर था, उस गाड़ी पे उन्होंने नंबर भी चेंज किया था, और अपने मित्र के यहाँ जाकर के उसको सेल किया सारा माल, और ये सारा माल रिकवर हुआ है। ड्राइवर गिरफ्तार हुआ है, ट्रक मालिक गिरफ्तार हुए हैं, जहाँ पे गाड़ी नंबर चेंज किया गया राजीव के यहाँ वो भी गिरफ्तार हुए हैं, जहाँ माल बेचा गया वहाँ भी गिरफ्तारी हुई है। एक अभियुक्त जो माल बेचा गया था वो फरार है, उसको भी अच्छी गिरफ्तार करेंगे, और टोटल माल बरामद हुआ है। करीब 10 लाख की मूँगफली बरामद हुई है और 25 लाख का कैंटर बरामद हुआ है, क्योंकि ये कैंटर मालिक ट्रक कैंटर मालिक और ड्राइवर दोनों इसमें शामिल है, तो ये भी जो है योजना का पार्ट है, ये रिकवरी का पार्ट है। ये अंतर जनपदीय गिरोह है, इसमें मैनपुरी और फिरोजाबाद के बदमाश हैं। हालांकि पहली बार क्राइम किए हैं, हो सकता है पहले भी किए हों, प्रकाश में न आए हों। इन पे हम गैंगस्टर एक्ट के तहत अभियोग भी पंजीकृत करेंगे, और पूरी पुलिस टीम को मैं 25,000 रुपये का इनाम भी दे रहा हूँ। ये अपराध जो क्यों किया गया था, क्या बताया उन्होंने, क्या इन्होंने लोन चुकाने के लिए किया था, क्या मोटिव? आयसर कैंटर की किस्त भी थी, इनका मकसद था कि आयसर कैंटर की किस्त हम इसी में चुका लेंगे, पुलिस को पता भी नहीं चलेगा, और इसके बाद जो है हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन पुलिस की तत्परता, पुलिस की गहराई से छानबीन, ये सारे गिरफ्त में आ गए हैं, और इन पर हम कठोर कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं। सर, कहीं ना कहीं पुलिस के लिए चुनौती था, क्योंकि गाड़ी पर फर्जी नंबर प्लेट लगी हुई थी और कोई ऐसी चीज नहीं थी। ये बिल्कुल चुनौती था, और इस चुनौती का को हमने नेस्तनाबूद किया है। इसमें 467, 467, 471, 414 धाराओं का इजाफा भी किया हूँ। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी, इनकी जमानत भी नहीं होने देंगे, और इनके 14(1) के तहत भी कार्रवाई करेंगे। जो आरोपी थे उन्होंने पुलिस को ब्लफ देने की कोशिश की, उन्होंने मोबाइल एक जगह रखा जिससे लोकेशन को डिसलोकेट दिखाया जा सके। वो जो एक अपराधी फरार है, वो अपना प्लास्टिक में अपना मोबाइल चालू कंडीशन में खेत में पानी के बीच में डाल दिया ताकि वो बचता रहेगा, और लोकेशन से लोग जो है ये दिग्भ्रमित हो जाएंगे, और खैर उसको अभी हम नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन उसको भी हम सीधी अरेस्ट करेंगे। कुल कितने लोग की गिरफ्तारी हुई? 4 लोग गिरफ्तारी हुई है, एक वांछित है। थैंक यू।